हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अब अपना आधार कार्ड को ढूंढ कर रेडी हो जाइए, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक करना ज़रूरी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड को अब आप अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ जोड़ सकते हैं। यूँ समझ लीजिए, वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ना पड़ेगा। आज का यह वीडियो इसी के ऊपर है। वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, कानून मंत्री की तरफ से ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दिया गया है, जिसमें चार महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए हैं। और सबसे पहले यही बताया गया है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करेंगे। और इसमें यह इसलिए लाया जाता है क्योंकि बताया ये गया है कि कोई एक व्यक्ति जो है अलग अलग एड्रेस पर अलग अलग वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए हैं, जो कि कभी कोई भी डॉक्यूमेंट देकर। अब इस चीज़ को हटाने के लिए, एक व्यक्ति का सिर्फ एक वोटर आईडी कार्ड रखने के लिए आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी समझा गया है। जिस प्रकार से पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक किया गया, उसी प्रकार से वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक किया जाएगा। अब देखो ना, मतलब आप अलग अलग एड्रेस पर जाते हो तो अलग अलग वोटर आईडी कार्ड बनवाते हो, वो किस लिए? तो थोड़ा मोरा फ़ायदा हो जाता है। इसलिए अब इसी चीज़ को रोक दिया जाएगा। जो लोग पहले से दो चार वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं, वो तो अपने आधार कार्ड के साथ एक ही लिंक कर पाएंगे ना। जैसे ही दूसरा लिंक करने जाएंगे, बता देगा कि ऑलरेडी यहाँ पर इस आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी कार्ड लिंक है। और लिंक तभी होगा जब आपका नाम वगैरह सारा कुछ सही रहेगा। अगर गड़बड़ होता है तो आप वोटर आईडी कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप आधार कार्ड को भी अपडेट कर सकते हैं। एक बार आपको याद होगा, मैं आपको वीडियो बनाकर दिया था जब वोटर आईडी कार्ड के NVFC पोर्टल पर KYC की ऑप्शन आया था, तो KYC तो फिलहाल हुआ नहीं। बताया गया था कि सबसे पहले KYC होगा, उसके बाद जितने भी नया और पुराना वोटर आईडी कार्ड वाला है सबका वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड होगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। जो लोगों का नया नया था, जिसमें मोबाइल नंबर वगैरह लिंक था, वो डाउनलोड हुआ, लेकिन पुराना वाला हो नहीं रहा। तो चलो, KYC का ऑप्शन चला गया, वो हम लोग KYC भी नहीं किए। मुझे लगता है कुछ ऐसा ही ऑप्शन आपको दिया जाएगा जिससे वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे। चलिए, एक तो आप समझ गए, दूसरा अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा अपडेट ये है कि साल में अब चार बार आपको मौका मिलेगा नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए। अगर आपका उम्र 18 वर्ष हो चुका है तो आप वोटर आईडी कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आप अपना एक नया वोटर आईडी कार्ड बनवा पाते हो। तो पर कैलेंडर ईयर, यानी कि प्रत्येक साल, अब आपको साल में चार बार मौका मिलेगा, जो कि पहले एक आध बार मिलता था, दो बार मिलता था, लेकिन अब टोटल चार बार मौका मिलेगा। एक मिलेगा 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 1 जनवरी को अगर 18 साल नहीं पूरा हुआ है, तो चलो मानकर चलो किसी का अप्रैल में पूरता है या फिर यहाँ पर मार्च में होता है, तो उसको मौका दिया जाएगा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से आप वोटर आईडी कार्ड बनवा पाओगे। अगर मानकर चलो 1 अप्रैल के बाद आपका बनता है, मतलब आपका 18 साल 1 अप्रैल के बाद होता है, तो इसके बाद आपको एक और मौका दिया जाता है जुलाई में। तो जुलाई में आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड 1 जुलाई से बनवा पाओगे। अगर मानकर चलो कि जुलाई तक भी आपका 18 वर्ष नहीं हुआ है, तो इसके बाद वाला, मतलब जुलाई में या फिर जुलाई लास्ट में या फिर जुलाई के बाद अगर आपका 18 साल होता है, तो आपको एक और मौका मिलता है उस साल में, अक्टूबर महीने 1 अक्टूबर को आप बनवा पाओगे। तो यहां पर दो अपडेट मैंने आपको दे दिया कि अब साल में चार बार आपको मौका दिया जाएगा। तो ये उनके लिए है जिनका उम्र मानकर चलो कि दिसंबर में नहीं हुआ, तो वहाँ पर फरवरी में हुआ, तो वो अप्रैल वाला में ले लेंगे, मतलब बनवा लेंगे। और उसके बाद जिनका जून में हुआ है, वो जुलाई वाला में चले जाएंगे, और जुलाई के बाद वाला महीना में हुआ है, तो वो अक्टूबर वाला में चले जाएंगे। लेकिन पहले ये होता था कि अगर आपको एक बार मौका मिला, 1 जनवरी को मौका मिला, 1 जनवरी तक 18 वर्ष नहीं हुआ है, तो फिर अगले साल का आप वेट करें, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो अपडेट आया है वो रिलेशनशिप को लेकर है। होता क्या था कि वाइफ या फिर हस्बैंड का नाम लिखा हुआ आता था कि भाई इसका पति ये है, लेकिन अब स्पाउस नेम लिखा हुआ आएगा, तो ये अच्छी चीज़ें हो जाती है कि चलो अपडेट करके ये चीज़ें डाल दिया जाएगा। तो कंप्लीट मैंने आपको डिटेल में समझा भी दिया है, बता भी दिया है। इसका कोई अभी फिक्स डेट नहीं आया है। जैसे ही कोई फिक्स डेट आएगा, मैं आपको सूचित कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा या फिर वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। और जैसे ही मुझे लगा कि एक ज़रूरत है इस पर वीडियो देने का, तो मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, और कुछ दिन बाद देखोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और लिंक कैसे होगा, ये प्रोसेस जैसे ही आता है मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।